एपीएससी हो गया, अमरेंद्र पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरेंद्र लोक सेवा आयोग हो गया है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी आप अमरेंद्र लोक सेवा से लोक सेवा आयोग को बीपीएससी, पहले बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए। 29 नवंबर को मंगलवार को हम लोग बीपीएससी ऑफिस 12 बजे आंदोलन कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से समस्त छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग जरूर आइए मंगलवार 29 नवंबर 12 बजे बीपीएससी ऑफिस। हमें सिर्फ 800 बहाली तो पहले सही से करके दिखा दीजिए, इसमें कोई धांधली सटी ना हो। और इसके लिए हम नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं, 67वीं बीपीएससी परीक्षा का परिणाम आ चुका है और परिणाम आने के बाद भी छात्र असंतुष्ट हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था और बिहार के शासन प्रशासन प्रणाली और साथ ही परीक्षा प्रणाली पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, तो छात्र नेता दिलीप छात्रों के मुद्दे को लेकर हमेशा सामने आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप, जानेंगे इनसे 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा पहली बार हुई थी उस बार भी परीक्षा पत्र लीक हुआ था और इस बार भी मामला है, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 67वीं पीटी जो पहली बार हुई थी 8 मई को, जिसका पेपर लीक हुआ था, हमने ही उजागर किया था उस चीज़ को, मुख्यमंत्री जी को भेजा था, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कैंसिल करवाया था। उसके बाद पुनर्परीक्षा जब इसकी हुई उसका रिजल्ट ही आया है और उसमें भी गड़बड़ी नजर आ रही है। जैसे सबसे पहले तो 7 से 9 प्रश्न जो है उनके उत्तर गलत दिए गए और हम लोगों ने बहुत साक्ष्य दिया है, दो दो बार आंसर उन्होंने, एक बार प्रोविजनल आंसर की दिया उसमें ज्यादा सही था, जब फाइनल आंसर उन्होंने दिया रिजल्ट के बाद उसमें और गड़बड़ी कर दिया और इसके चलते हजारों जो योग्य अभ्यर्थी वो बाहर हो गए। 11,607 अभ्यर्थी जो पीटी पास किए हैं तो उसमें से हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जो मेरिट से पास किए हैं, लेकिन हजारों ऐसे भी अभ्यर्थी है जो जरूर धांधली सेटिंग से गए होंगे और उनके वजह से क्या किया गया कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जानबूझ के गलत दिया गया ताकि वो लोग जो योग्य अभ्यर्थी वो बाहर हो जाए। और ये खेला बीपीएससी में इससे पहले भी हुआ था 64वीं बीपीएससी में और उस समय भी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार थे और आज भी परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार है। ये दबाव अमरेंद्र कुमार को लेकर क्यों है, हमेशा वो चर्चा में रहते हैं जब भी पेपर लीक होता है, जब भी परीक्षा होती है, वो लंबे समय से है और एक लॉबी बन गया है, नेक्सस बन गया है और बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई। ये आर्थिक अपराध की जांच में पता चला जब पेपर लीक का जांच हो रहा, तो उस समय भी ये परीक्षा नियंत्रक थे जिस समय ये घटना हुई होगी, तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, आज तक इनसे कोई पूछताछ क्यों नहीं हुआ और इनको प्रमोट कर दिया गया आईएएस में और जो सचिव थे उनसे इस्तीफा लेकर जीवित सिंह से और इनको सचिव भी बना दिया गया और परीक्षा नियंत्रक भी ये है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लंबे समय से 7 साल 8 साल से बीपीएससी ऑफिस में जमे हुए हैं और हम लोग 2019 से इनको हटाने की मांग कर रहे हैं, ये पहली घटना नहीं है। 2019 में भी 64वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया पीटी का उसमें 14 प्रश्न का आंसर जानबूझकर गलत दिया गया था ताकि योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए और बाद में जब फाइनल रिजल्ट उसका आया 64वीं का तो उसमें यह पता चला कि इसमें बहुत धांधली हुई है। पटना हाईकोर्ट ने 1000 मेंस की कॉपी मांगा है 64वीं का और वही जो घटना है फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है इस 67वीं में और 67वीं में चूंकि एक बार पेपर लीक हो चुका है तो अरबों रुपये का इसमें खेल हुआ। जिन लोगों ने पैसा दिया होगा तो उन लोगों को तो ये लोग को पास करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कुछ योग्य अभ्यर्थियों को बाहर करेंगे तब ये तो कुछ लोगों का एडजस्टमेंट होगा, तो वही किया गया है। और कल जब हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया कि 29 नवंबर को हम लोग आंदोलन करेंगे तो कल रात को 15 एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया है और जो तर्क दिया गया वो बिल्कुल गलत है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों, हिंदी और इंग्लिश में जो है क्वेश्चन सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो जो तर्क बीपीएससी का है वो बिल्कुल गलत है। और हमारी मांग है सरकार से, नीतीश कुमार जी से है, तेजस्वी यादव जी से है, कि जो नीतीश कुमार जी 2005 से न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं तो हम उनसे मांग कर रहे हैं न्याय के साथ आप बहाली की बात कीजिए और जो 800 सीटों पे आप बहाली पूरा करके दिखाइए अच्छा से। आप लाखों रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं आप लोग, हमें सिर्फ 800 बहाली तो पहले सही से करके दिखा दीजिए, इसमें कोई धांधली सटी ना हो। और इसके लिए हम नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि हम अमरेंद्र कुमार जी द्वारा बनाए गए एक्सपर्ट टीम पे हम लोग को भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा सबूत दिया, किताब का सोर्स दिया, लेकिन उन लोगों ने गलत साबित कर दिया, तो अब वो लोग बताएं कि उनका क्या सोर्स है। एक सवाल लगातार उठता है छात्रों को लेकर, आप हमेशा मुखर रहे हैं, तो ये सवाल आपसे ही बनता है कि जब नियोजन पत्र सरकार दे रही थी उस समय भी ये मामला आया था कि पुरानी जो बहालियां उसका नियोजन नए तरीके से दिया जा रहा है, ये कहां तक जायज है? देखिए ये सही बात है, जो भी नियुक्ति पत्र अभी तक बांटा गया वो पुरानी बहाली है, 2014 की वैकेंसी थी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली, जिसको पूरा करवाने के लिए हर स्तर पे हमको लाठी खाना पड़ा, पुलिस की आंदोलन करना पड़ा ये, और उसके बाद जब बहाली पूरा हुआ है जून 2018 में और अभी उसका नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, बार बार उसमें 42 तरह के पद थे, तो हर एक पद के लिए बार बार नियुक्ति पत्र अलग अलग से बांटा जा रहा है, जबकि बहुत उन लोगों को नियुक्ति पत्र पहले से मिला हुआ है जो अभ्यर्थी भी बता रहे हैं। तो चलिए सरकार है अपना, अगर एक तरह से माहौल ये बना रहे हैं तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी की, हम शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, पुराने लोगों को ही नियुक्ति पत्र दे रहे हैं,
तो हम इसका विरोध भी नहीं करते। चले ठीक है, कम से कम शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, कुछ होनी चाहिए, लेकिन होना चाहिए ईमानदारी से। आप नई वैकेंसी निकालिए ना, 700 वैकेंसी अभी तक निकली है मध्य निषेध सिपाही का, इसके अलावा कोई नई बहाली नहीं है। सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई तो कोर्ट की वैकेंसी है, तो नई वैकेंसी आप निकालिए दरोगा की, सिपाही की, उसके बाद आपको ये शिक्षकों की बहाली निकालिए, 3.5 लाख पद खाली है, और जो बहाली पहले से चली आ रही है उसमें आप निष्पक्षता के साथ ईमानदारी के साथ उसको पूरा करवाइए। तो हम लोग को यही चाहिए, हम लोग को 10 लाख 20 लाख नौकरी मांग भी नहीं रहे हैं। एक IAS अभी BPSC मामले में ही पकड़े गए थे, क्या लगता है उनकी भी संलिप्तता इस कांड में है क्या? देखिए अभी तक कोई IAS तो नहीं पकड़े गए हैं, IAS जिन पर DSP रैंक के पकड़े गए हैं, लेकिन वो तो उनको बेल मिल गया है। अभी तो किस आधार पे बेल मिला कोर्ट में तो बहुत आश्चर्य की बात है, MPMLA से कोर्ट मिला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जांच BPSC ऑफिस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक BPSC ऑफिस के अंदर जांच नहीं होगी तो ये फिर वही गठजोड़ चलते रहेगा और वो काम फिर होते रहेगा। कलम की आप जिक्र कर रहे थे कि उसे पेंट कर दीजिए फिर बाहर मिटा के दूसरा पेंट किया जा सके, यही पेन है, ये पायलट फ्रिक्शन नाम का ये पेन है। अच्छा अच्छा, थोड़ा पेंट करके दिखाइएगा, इस पे क्या खासियत है इस पेन की? देखिए इस पेन की खासियत है, आप इसको गोला रंग सकते हैं, इसे गोला रंग दिए, ठीक है, एग्जाम हॉल में उसके बाद या तो सेंटर पे या फिर BPSC ऑफिस के अंदर या जहां भी हो, जो सेटिंग जैसे किया हुई तो मुझे नहीं पता, उसके बाद इधर से आप इसको मिटा सकते हैं। देखिए पूरी तरीके से मिट जाता है, ये मिट जाता है पूरी तरह से, OMR में तो और अच्छे से मिट जाएगा, और सबका मिटाने का भी कला होगा, हम तो कभी ये सब किए नहीं तो हमें पता भी नहीं है, वो लोग का कला होगा कि थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा, इस तरह से मिटाया जाएगा। इस पेन की जानकारी सभी लोगों को है जो लोग परीक्षा देते हैं? सभी लोगों को नहीं थी, हमें भी जानकारी नहीं थी, ये तो अभी पता चला है कुछ दिन पहले, उस दिन आंदोलन में जो ज्ञापन सौंपने गए उस दिन भीड़ में किसी स्टूडेंट ने ही बताया कि उसका कोई फ्रेंड था वो इस तरह से करवाया है जैसा कि उसका कहना है, और वो तो कौन था हम भी नहीं जान रहे, भीड़ में देख के चला गया। तो इस बात की सच्चाई तो झलक रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस तरह से किया गया, जांच होना चाहिए, जांच का विषय है। हम नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग नियुक्ति पत्र बांटिए, जो करना है कीजिए, लेकिन नई बहाली निकालिए और जो बहाली पहले से चल जाए उसमें ईमानदारी बरतिए और धांधली सेटिंग ना हो इसके लिए पूरा ख्याल रखिए, और जो सेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं जिस पे आरोप लगा रहे हैं वैसे अधिकारियों को आप हटाइए, उस पे उसकी जांच करवाइए, और BPSC 67वीं में जो ये चल रहा है उस पे आप लोग अपना से एक्सपर्ट टीम बनाइए, आप चाहे जिन शिक्षकों को रख दीजिए हम लोग स्वीकार कर लेंगे, और नीतीश कुमार जी खुद इसमें इन्वॉल्व हो, जिस तरह से परसेंटाइल वाले पे और पेपर लीक पे इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया और पेपर लीक के बाद एग्जाम कैंसिल हुआ और परसेंटाइल सिस्टम को भी वापस लेना पड़ा, इनके इन्वॉल्वमेंट नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ये किया गया उसके द्वारा हुआ इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो हम फिर यही अपील कर रहे हैं कि आप बड़े लंबे समय से 16-17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग की आपसे ही मांग होगी, चूंकि आप हमारे मुखिया हैं बिहार के मुखिया, तो आपसे ही मांग करेंगे, तो हम नीतीश जी और तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि आप लोग टीम बना दीजिए, एक्सपर्ट टीम, जो प्रोफेसर या शिक्षकों की टीम, और वो जो आंसर दे देंगे, जो 7-9 क्वेश्चन पे हम लोग आपत्ति जता रहे हैं उसका आंसर वो जो लोग आपके द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा जो भी आंसर बता दिया जाएगा ना, हम मानने के लिए तैयार है, उसके बाद हम एक शब्द नहीं बोलेंगे इस रिजल्ट के विरोध में, इस आंसर के विरोध में। लेकिन जो PDF में छेड़छाड़ हुई है, OMR में छेड़छाड़, उसकी भी आप जांच करवाइए, आप चाहे तो न्यायिक जांच करवा दीजिए, CBI जांच करवा दीजिए, लेकिन जांच तो करवाइए आप। मांगे तो आपने रख दी, हालांकि इतनी जल्दी मांगे बिहार में शिक्षकों की, छात्रों की या किसी लोगों की मानी नहीं जाती है, क्या आगे का प्रोसेस रहेगा आप? देखिए हम लोगों ने सोमवार तक का बात रखा था कि सोमवार तक रिजल्ट दे दिया जाए, नहीं तो हम लोग 29 नवंबर को आंदोलन करेंगे, लेकिन कल रात को 15 रिजल्ट दिया गया जो कि अपने आप में संदेहास्पद है। तो अब हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और 29 नवंबर मंगलवार को 12 बजे BPSC ऑफिस हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार से हम मांग करेंगे कि आप अपना एक्सपर्ट टीम बनाइए, जो आंसर देखे, बाकी अमरेंद्र कुमार द्वारा बनाई गई टीम पे हमें भरोसा नहीं है। BPSC का नाम अब APSC हो गया, अमरेंद्र पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरेंद्र लोक सेवा आयोग हो गया है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी आप अमरेंद्र लोक सेवा से लोक सेवा आयोग को BPSC पहले बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए और अमरेंद्र कुमार को बाहर कीजिए और एक एक्सपर्ट टीम आप बनाइए, जो वो आंसर देंगे हम मान लेंगे। और इन्हीं मांग को लेकर 29 नवंबर को मंगलवार को हम लोग BPSC ऑफिस 12 बजे आंदोलन करें, आपके चैनल के माध्यम से समस्त छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग जरूर आइए मंगलवार 29 नवंबर 12 बजे BPSC ऑफिस। जी दिलीप थे, छात्रों के मुद्दे को लेकर कई बार चर्चा में रहे हैं, पिछली बार इन पर लाठियां चली थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लिया, उस मामले में कार्रवाई हुई और मुख्यमंत्री ने परीक्षा को फिर से कराने की बात कही, फिर से परीक्षा हुआ, 7-9 क्वेश्चन पर इनकी आपत्ति है, इन्होंने जो कलम दिखाया उस कलम की वजह से कई जो वैसे लोग हैं जो योग्य नहीं हैं वो भी उस स्थान पर पहुंच जा रहे हैं। मतलब बिहार में जो शिक्षा माफिया का, बहाली माफिया का नेक्सस है उसको खत्म करने की इनकी मांग है और परीक्षा नियंत्रक जो है
उन पर भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि उन पर जांच होनी चाहिए ताकि पता चले कि जब लंबे समय से वो हैं और उनके रीजन में ही बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कुछ तो उसमें गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।